अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ख्वातीन हजरत आदाब, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नशिस्त का कि मुझे पता चला कि साहिर के ऊपर कुछ होने वाला है। मैं बिल्कुल नहीं जानता था साहिर साहब के बारे में इतना कुछ। मैं सिर्फ जानता था कि वो गीतकार हैं, इतना कुछ नहीं जानता था। और जब ये पता चला कि साहिर के ऊपर कुछ करना है तो साहिर के बारे में बहुत सारी जो भी अवेलेबल था यूट्यूब पे वो बहुत कुछ सुना, तो बहुत कुछ जाना उनके बारे में। और जब मैंने फैज़ को जाना था तो फैज़ से मोहब्बत हो गई थी, अब मैंने साहिर को जाना है तो साहिर से मोहब्बत हो गई। तो ये एक मैं आपको कुछ सीन सुनाने वाला हूँ जो दानिश इकबाल साहब का एक ड्रामा है साहिर लुधियानवी पर। मैंने वो ड्रामा पढ़ा था तो उसमें ये सीन मुझे बहुत पसंद आया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसका नाम मैंने इस सीन का नाम रखा है साहिर इश्क। अमृता और साहिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ उससे पहले पाकिस्तान में थे और बाद में हिंदुस्तान आ गए। साहिर बॉम्बे में थे, अमृता जो है दिल्ली में रहा करती थी और साहिर शायद एक दो मरतबा उनके घर आ चुके होंगे। तो इस बार फिर साहिर उनके घर आए हैं और उनकी अमृता की बेटी है कुंदला, वो भी इस सीन में है। तो कुंदला कह रही हैं, देखो माँ सुबह सुबह कौन आया है? साहिर अंकल। कुंदला, जाओ ऊपर अपने कमरे में जाओ और अपना होमवर्क खत्म करो। लेकिन अभी इतनी सुबह। कुंदला, प्लीज जो मैं कह रही हूं सुनो। साहिर, कोई बात नहीं कुंदला, मैं तुमको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं कि कैसे मुझे बुद्धू बनाकर पाकिस्तान से भगाया गया। तुम सुनोगी तो खूब हंसोगी कि साहिर अंकल कितने बेवकूफ थे। तो सुनाइए ना। जब पाकिस्तान बना तो हमारी पार्टी ने कहा, साहिर तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा इंकलाब लाने के लिए। तो मैं वहां काम करता रहा। फिर एक दिन एक आदमी ने कहा, तुम आज रात गिरफ्तार कर लिए जाओगे। मुझे बहुत डर लगा, पुलिस के लोग मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मारेंगे। मुझे लगा मैं छुप जाऊं, फिर लगा मुझे भाग जाना चाहिए। लेकिन किसी ने पहचान लिया तो मैंने भेष बदला, काला चश्मा लगाया, ओवर कोट के कॉलर जासूसों की तरह खड़े किए, सर पर हैट टेढ़ा करके बाहर निकला। जो नहीं देखता वो भी चौंक कर मुझे देखने लगा। लेकिन किसी ने मुझे नहीं पकड़ा और मैं भागकर हिंदुस्तान आ गया अपनी माँ के पास। जानती हो उन सब ने पहचान कर भी मुझे क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि मैं वहां से चला जाऊं। मैं भी कितना बुद्धू था। अंकल आप अभी भी बुद्धू हैं। देखो अमृता, ये सब कुछ जानती है। देखो अब तुमने कहानी तो सुन ली, अब जाओ और होमवर्क करो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आए, लेकिन ये नहीं जानती थी कि तुम इतनी सुबह भी उठ सकते हो, यानी 12 बजे से पहले। वो आदत बॉम्बे की है। साहिर मुस्कुराते हुए सिगरेट जलाते हैं। तुम सोचती होगी कि उस दिन क्लैरिजेस होटल में हुई गड़बड़ के बाद शायद मैं नहीं आऊँगा। मुझे अफसोस है, उस दिन मैंने बहुत पी ली थी। उसके बाद वहाँ होटल बेडरूम में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। साहिर एक सिगरेट बुझा कर दूसरी जला लेते। लाहौर छूटने के बाद से हम लोग कितना कम मिले हैं। कुछ ऐसे ही दिन थे जब हम वहाँ मिले थे। यही फिजा थी, यही ऋतु, यही ज़माना था। यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरसती हुई निगाहों से,
हजूर गैब में नन्नी सी इल्तजा की थी कि आरजू के कवल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाएं। मैं जानता हूं तुमने प्रीतम को छोड़ दिया है। हाँ, हम दोनों को इस फैसले से कोई शिकायत नहीं। तो फिर अब आगे, अब मैं अमरोज के साथ हूँ। वो एक पेंटर है और मुझसे कई साल छोटा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। जानता हूँ उसके बारे में, वरना तुम्हें कैसे ढूंढता। बॉम्बे में अब मेरा काफ़ी नाम है। अमरोज मेरे कुछ टाइटल कवर शायद बनाना चाहे। मुझे लगता है वो तुम्हारी मदद करना पसंद करेगा। और वो तुम्हारी हूर परी सुधा कैसी है? कुछ और गाने लिखे उसके लिए? नहीं मालूम कैसी है वो, उसकी शादी हो गई नेचुरली एक हिंदू से। मैंने उसके कैरियर के लिए क्या नहीं किया, अफसोस हुआ सुनकर। मैं तो सोचती थी मैं ना सही कोई और सही। इसे सुनकर साहिर थोड़ा बेचैन हो जाते हैं और अपने जेब से एक पर्चा निकालते हैं। देखो, पहले की तरह आज भी मैं तुम्हें सुनाने के लिए एक नज्म लाया हूं। ये मैंने कागो के लीडर पेट्रिस लुम्बा के कत्ल पर लिखी है। वो कागो के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और सम्राट के खिलाफ थे। उन्हें गद्दी से हटाकर मार दिया गया। सुनोगी? मैं हमेशा की शोध आई हूं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाक सहरा पे जमे या काफ़ कातिल पे जमे, फ़र्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या लाशे बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जब बंटवारा रेंगता रेंगता घर तक आ गया, हर तरफ खून था। मैंने अपनी कहानी तो सुना ही नहीं किस तरह एक दोस्त ने मुझे और कुंदला को वहां से निकाला। मैंने चारों तरफ दुख ही दुख देखे। दुखों की कहानियां उम्र से लंबी थी। मुझे लगा इंसानियत के दर्द को मुझे आवाज देनी होगी। दिल के खून में कलम को डुबोकर मैंने लिखा, आज आखां वारे शानू कि तू कबरां इच्छू बोल, आज आखां वारे शानू कि तू कबरां इच्छू बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका खोल। अमृता, इसे इतना निजी मत बनाओ, जो होना था हो गया। ये पूरी तरह मेरा निजी दर्द है। मैंने इसे देहरादून से दिल्ली आते ट्रेन में लिखा था। मेरी कोख में एक नई जात पल रही थी। तभी एक दर्द दिल से उठा, कोख से उठा कि उसका भविष्य क्या होगा। नहीं जानता क्या कहूँ। मेरा नवजात बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उससे कहूँगी कि काश तुम उसके बाप होते। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। क्या मैं अब साहिर अंकल के साथ खेल सकती हूँ? बाद में। चलो, अब हम अपनी गुड़िया से बहुत सी ढेर सारी बातें करेंगे। चलो, अब तुम हमें अपना नन्ना मुन्ना नया नवीला भाई तो दिखाओ। साहिर और कुंदला दूसरे कमरे की तरफ चले जाते हैं। अमृता, साहिर ने जो सिगरेटें एश्ट्रे में छोड़ दी थीं, उसे उठाती हैं
अपने होठों पर लगाती हैं, उसका एक लंबा कश खींचती हैं, धुएं को छोड़ती हुई कहती हैं, इसको छूकर इन्हें पीकर मुझे लगता है मैं उसके बहुत पास हूं। मैंने जब तू को पहना तो दोनों के बदन अंतर ध्यान थे, अंग फूलों की तरह गुंद गए और रूह की दरगाह पर अर्पित हो गए। शुक्रिया।